एचईपीसी का जो कार्यकाल है, जो टेन्योर है, वो दिसंबर 2016 में खत्म हो गई और एचईपीसी के इलेक्शन ड्यू हैं। सदन केंद्र सरकार को अपील करता है कि जो गुरुद्वारा इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट केंद्र सरकार ने करनी है वो जल्द से जल्द की जाए। ये तो 8 साल करा दिया इन्होंने, इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे? दे डोंट हैव एन इलेक्शन। एक मिनट बात सुनो, मेरी बात समझो। Does it connect to this? मैं कह रहा हूं जो 84 के जिम्मेवार हैं उनको सजा मिलनी चाहिए इसमें, और उसी के लिए फुल्का साहब को सम्मानित कर रहे थे। अब क्या हो गया? अब क्यों गिरगिट की तरह बदल गए? कांग्रेस पार्टी ने अपना पपेट एलओपी रखने के चक्कर च, मैच फिक्सिंग के चक्कर च, कॉन्स्टिट्यूशन तो उत्ते हो गया सारी कार्रवाई। अकाली दल जड़ा वा वो आज एचईपीसी दे इलेक्शन फेस नहीं करने दे काबल। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਅੱਜ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਮਾਸਾਨ ਮਚਿਆ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲਟਕਾਇਆ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ HS ਫੁਲਕਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਜਲਦ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪੀਕਰ ਅੱਗੇ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਫੁਲਕਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਸੰਬਰ 2016 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜਲਦ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਫੁਲਕਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਜੋ ਮਸਲਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ, ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲਾ ਵੀ ਥਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਾ। ये दोनों इशू HGPC के इलेक्शन के लिए, HGPC के इलेक्शन जो प्रधानमंत्री की का जवाब मेरी चिट्ठी का आया है, मुझे आया है जवाब, तो वो उसमें लिखा है कि HGPC का जो कार्यकाल है, जो टेन्योर है, वो दिसंबर 2016 में ख़त्म हो गई और HGPC के इलेक्शन ड्यू हैं, और उसके लिए सेंट्रल केंद्रीय सरकार ने रिटायर्ड जजेस का पैनल हाईकोर्ट से मंगवा लिया है, और अब वो उन्होंने अपॉइंट करना है गुरुद्वारा इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करना है, और वो अपॉइंट नहीं हो रहा। तो इस ये मैंने मुद्दा कल भी उठाया, कल भी बोला, और वो चिट्ठी को मैंने विधानसभा के टेबल पे रखा, और आज मैंने एक मता पेश किया, और ये उस मते की कॉपी है, और इस मते में लिखा है कि ये सदन केंद्र सरकार को अपील करता है कि जो गुरुद्वारा इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट केंद्र सरकार ने करनी है वो जल्द से जल्द की जाए, और साथ में ये भी इस मते में लिखा है कि ये सदन पंजाब सरकार को भी कहता है कि केंद्र सरकार के साथ संपर्क करके जल्द से जल्द जो HGPC के जो इलेक्शन की डेट है वो फिक्स कराई जाए। तो आज मुख्यमंत्री जी ने खुद ये सदन को विश्वास दिलाया कि वो जाके गृह मंत्री को मिलेंगे, और ये गुरुद्वारा जो इलेक्शन कमीशन अपॉइंट करना है उसके लिए, और गुरुद्वारा जो इलेक्शन के HGPC के चोन की डेट है उसके लिए भी वो इसको परस्यू करेंगे। ये मामला बहुत महत्वपूर्ण है। जहाँ मेरी MLA-शिप का सवाल है, मेरा अभी तक इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है, तो अभी तक मैं MLA हूँ। फुलका वालों चोणा जल्द करवाए जाने के मते की पंजाब सरकार ने भी हमायत की है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आख्या कि केंद्र ते अकाली दल की भाईवाल सरकार रही है जिन्होंने मिली भुगत नाल चोणा नूं लटकाया है अते लोकां तों लोकतंत्र का हक मारिया जा रहा है। कैप्टन अमरिंदर का कहना है कि सदन जल्द ही चोणा करवाण नूं लै के लिख के भेजेगा ते खुद वह केंद्र के गृह मंत्री नाल मुलाकात करनगे। पार्लीमेंट नूं पास करना चाहिंदा है, 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊ ਸੀ, ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ, ਇਹ BJP ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 2016 ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂਡੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯੂਨੈਨਿਮਿਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਇੱਥੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ, ਔਰ ਇਸ HGPC ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ 3 ਈਅਰਸ ਓਵਰ ਡਿਊ,
एंड अधिकार मेरा ख्याल हाउस ने मैंने दिता है कि होम मिनिस्टर नाल मैं गल पिकअप कर ली। डजंट मैटर रेजिग्नेशन जब तक एक्सेप्ट नहीं होंगी ना, ही स्टिल अ मैंबर। लेकिन अकाली दल कह रहे हैं जानबूझ के मैं पार्लीमेंट के 1984 अपना रेजिग्नेशन दिता से, इट वॉज नॉट एक्सैप्टिड फॉर 2 मंथ्स। उस तो बाद मैं तो मैंबर रहा 2 महीने। भाई श्रोमणी कमेटी की इलेक्शन इज अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन, इट इज़ कवर्ड बाय सेंट्रलाइज्ड एक्ट जो पार्लियामेंट पास करता है, एंड इलेक्शन इज हेल्ड एवरी 5 ईयर्स। ये तो 8 साल करा दिए इन्होंने, इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे? दे डोंट हैव एन इलेक्शन। लोगों की राइट है, पंजाब के लोगों की राइट है कि अपने गुरुद्वारे संभालो कर सकते हैं। वाई शुड इट बी, दिस इज गॉट नथिंग टू डू विद दी नेशनल इलेक्शन, ये गुरुद्वारा इलेक्शन अलग है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो 3 साल इन्होंने क्रॉस कर दिए, दिस इज़ वेरी रॉन्ग। पंजाब के लोगों को राइट है कि अपने गुरुद्वारा संभाल के लिए वो अपनी कोई डेलीगेशन, अपनी कोई ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, एंड दैट इज़ व्हाट वी विल टेक अप। करना कब है? जल्दी होए, इट्स आई डोंट थिंक इट विल बी बिफोर द पार्लियामेंट इलेक्शन, लेकिन उसके कदम होते ही। अकाली दल ने आज फोन, आज स्मार्टफोन पर बंडे हैं, दे सेड कि कांग्रेस 2 साल हो गए जी स्मार्टफोन दी। भाई उन्होंने पूछो 10 साल थोनू हो गए, तुसी की बंडे है? चलो बस, व्हाट हैव दे डन? अकाली दल पहला इन्हें सरोपा देना चाहते थे, फिर कहता कि सरोपा नहीं देवे, हूँ कहते हैं सरोपा देवे, अज तो बाद फिर सरोपा नहीं देना। कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने भी कहा कि श्रोमणी कमेटी चोणा जल्द होनी चाहिए ने। एक सवाल के जवाब से सिद्धू का कहना है कि अकाली दल कुछ समा फुलका सम्मानित करन दियां गल्लां करदा सी, जबकि अकाली दल ने समय समय से क्रिकेट वांग रंग बदलिया। सिद्धू ने आख्या कि जब श्रोमणी कमेटी का कार्यकाल ही पूरा हो गया तो चोणा च देरी करके लोगों का संविधानिक हक खोया जा रहा है। जदों फुलका साहब ने इन्हां दियां कुरीतियां दी गल कीती, लोकतंत्र नूं डंडा तंत्र बनाने वाले बंदे जिहड़े डेमोक्रेसी नूं किल कर रहे हैं, इलैक्शन नहीं कराउंदे और अपने ढंग दे नाल हर गल नूं घुमाउंदे है, ते कोड़ किले वांग रंग बदल गए। अज नाल ही फुलका साहब नहीं रहे। अज नोबडी हैज़ दी क्वेश्चन टू, नोबडी हैज़ दी राइट टू क्वेश्चन दी मैंबरशिप ऑफ अ मैंबर। ये डेमोक्रेटिक अधिकार है, वो चुने हुए नुमाइंदे है। ये हुण कित्थों आ गया सवाल? वो कह रहे ने इस्तीफा देता सी। मैं कह ये इहदे च इस्तीफे वाली तां गल ही नहीं, इहदे च गल ये है भी SGPC दे इलैक्शन होण, और एक्ट ये कहिंदा है विधानसभा सुप्रीम है, जे स्टेट दी विधानसभा ने ये पा के भेजता मता और इहनू समर्थन यूनैनिमस करके भेजता ते सेंटर नूं करना पऊ, ये फिक्र इस गल दा। मैनूं की लगदा आने वाले दिनां च मन्नी जाऊ, 2016 तों पेंडिंग पई है इलैक्शन, 2016 तों पेंडिंग। एक मिंट गल सुणो, चोण कमिशन नहीं करवा रहा। मैं क्या क्यों नहीं करा रहा भाई? डेमोक्रेटिक राइट पंजाब के लोगों का क्यों खोया जा रहा है? ये घुन क्यों ला रहे हैं? मैं अज कहा कि एक तो CM साहब और उन्होंने नाल फुलका साहब ये रेजोल्यूशन पा के ये एम्पावर करके CM साहब नूं इतिहासिक स्टैप है, इतिहासिक। और जड़े एक मिनट खैरो यार, डज इट मैटर? मैं कह रहा हूँ कि दिया या नहीं, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि इन्होंने 4 साल से इलेक्शन नहीं करवाया, और इलेक्शन करवाने के लिए CM साहब को एम्पावर किया गया है, और जो फुलका साहब ने कहा और CM साहब ने कहा वो ऐतिहासिक है, वो खास है, वो खास है, वो जनता का विश्वास है और वो जीता जागता इतिहास है। सिंपल सी बात है, ये ऐतिहासिक स्टेप है। दूसरी बात ये है कि विधानसभा सुप्रीम, अगर विधानसभा जो चुने एक एक MLA के पास 2-2 लाख लोगों की ताकत है दोस्त, ये मतलब ये सारा पंजाब बोल रहा था, और जब यूनैनिमस पंजाब बोलता है कोई चीज तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं छुड़ा सकती, बिकॉज ये पंजाब का मामला है, और पंजाब अगर सारा एक मत में बोलेगा, समझे नहीं? लोकतंत्र को डंडा तंत्र बनाने वालों का डंडा खुस गया है आज, समझे नहीं? दूसरी बात है जी, मैं क्या वो तो करेंगे ही, वो तो सल्तनत बना के जिस चीज को घूम रहे थे वो किला ढहने की कगार के ऊपर है, और सच्चाई 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 जो है वो सरफेस कर रही है। एक मिनट बात सुनो, मेरी बात समझो, डज इट कनेक्ट टू दिस? मैं कह रहा हूँ जो 84 के जिम्मेवार हैं उनको सजा मिलनी चाहिए इसमें, और उसी के लिए फुलका साहब को सम्मानित कर रहे थे, अब क्या हो गया? अब क्यों गिरगिट की तरह बदल गए? उते ही श्रोमणी अकाली दल ने इस मते की कड़े शब्दों में विरोधता की है, उन्होंने फुलका की विदायगी उत्ते भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि जिन्हों का अजे तक यही नहीं पता कि वह मैंबर हैं वह मता किवें लेके आ सकते हैं। बिक्रम सिंह मजीठिया ने एक बार फिर कहा कि आप सदन के अंदर कांग्रेस की बी टीम वजों काम कर रही है, फुलका वालों पेश किए मते ने एक बार फिर यह साफ साबित कर दिता है। आप दी लीडर ऑफ अपोजिशन की कुर्सी बची रहे,
वो 7-8 मैंबर तुहाडी अखबारों ने लिखा कि 11 रह गए है ऑफिशियली केजरीवाल की आप नाल, मगर इतने मैं ना मानूँ सानू किसी स्टेटस नहीं पता लग रहा। एक्सचैकर की लुट हो रही है, लोगों के खजाने तो खर्चा इन्हों हर तरीके का दिता जा रहा, गड्डी का, गनमैन का, घर का, TADA क्लेम कर रहे हैं, मतलब कमाल हो गई जी। एंड कोई उदा दा क्लियर स्टेटस नहीं। इन सारे हालात हाउ एज मैंबर सानू यही नहीं पता हूज अ मैंबर ऑफ दिस हाउस हूज नॉट अ मैंबर ऑफ दिस हाउस। की कांग्रेस पार्टी ने अपना पपेट LOP रखने के चक्कर च, मैच फिक्सिंग के चक्कर च, कॉन्स्टिट्यूशन तो उत्ते हो गया सारी कार्रवाई। या तो हो खुलका साहब अच स्पष्ट कर दें कि ईजी हैज ही टेकन हिज रेजिग्नेशन बैक, फिर की गिव एंड टेक होया कांग्रेस नाल, की गठजोड़ होया, जिहड़ियां सलामां हो रही ने वो स्पष्ट कर दो। उत्थे तां कहिंदे जी मैं केजरीवाल नूं छड्डता क्योंकि कांग्रेस नाल समझौता हो रहा है, इत्थे तां डायरैक्ट ऑर्डरस लै रहे विधानसभा च कि किहड़ा मुद्दा चुकना नहीं चुकना। यह सारा ड्रामा जो विधानसभा च हो रहा थोड़े अखी वेखण नूं है। उत्थे ही पंजाबी एकता पार्टी के प्रधान सुखपाल खैरा ने SGPC दे चोणां उत्ते बोलदे होए कहा कि अकाली दल SGPC दीआं चोणां तो डरदी है। साडा इह मनणा कि SGPC हैज आउटलिव्ड इट्स टेन्योर, SGPC दी इलैक्शन तुरंत होनी चाहीदी है। क्यों नहीं हो रही, वाई BJP इज़ विदहोल्डिंग दैट इलैक्शन? सिर्फ इस करके आ कि अकाली दल जिहड़ा वा वो अज SGPC दी इलैक्शन फेस नहीं करन दे काबल, और वो घिरिया होया वा तो SGPC दी इलैक्शन नूं रुकवाया जा रहा वा अकालियां वल्लों अपने अलायंस पार्टनर के थ्रू। इलैक्शन SGPC दियाँ फ्रैश होनिया चाहीदियाँ, तो SGPC पोलिटिकल इंटरफेरेंस तो बाहर होनी चाहिए आ। यह साड़ी बहुत सुप्रीम संस्था वा, ये जो इसका टीचा है सरबत का भला, ये एजुकेशन ते हेल्थ केयर में बहुत मैने खेज काम कर सकती है। अज की डेट में SGPC फंड्स मिसयूज हो रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये कुलवंत सिंह रंधावा ने एक किताब लिखी है, उन्होंने वो खुलासा किया कि बादल का परिवार गोलक का दुरउपयोग करता वा और SGPC के उत्ते काबज़ होया होया वा, जिहड़ा कि बहुत दुखदाई गल है। मेरा यह मानना कि जिहड़ा अगर SGPC इज लिबरेटेड फ्रॉम पोलिटिकल कंट्रोल, यदा बजट जिहड़ा एटलीस्ट इट विल गो 100 times नॉट 10 times, 100 गुणा यदा बजट बच सकता। अज सिर्फ 1100 करोड़ रुपया वा, 1 लाख श्रद्धालु तो रोज़ कल्ले दरबार साहब अमृतसर साहब मत्था टेकदा वा, बाकी तुसी ला लो सारे पंजाब दे विच किन्ने SGPC कंट्रोल्ड गुरद्वारा साहिबान ने। मेरा यह मानना वा कि यह 1000 करोड़ों का बजट है, और ये बजट के राही पिंडा च एजुकेशन, रूरल एरियाज पर्टिकुलरली एंड हेल्थ केयर का बहुत वड्डा काम किया जा सकता। इस गल विच मैं उदाहरण देना चाहना कि डेरा राधा स्वामी है, हालांकि मैं कोई श्रद्धालु नहीं गा, पर डेरा राधा स्वामी क्योंकि मेरी कॉन्स्टिट्युएंसी दे एज ते आ ब्यास, एक डेरे दी साधना चों उन्होंने मनुखता दे वास्ते बहुत बेहतरीन इंटरनेशनल लेवल दा चैरिटी हॉस्पिटल खोलिया होया। 1 रुपया पर्ची लेंदे ने, 25 किलोमीटर रेडियस में कोई गंभीर बीमारी एक्सीडेंट का शिकार हुंदा, दे आर ट्रीटेड फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर SGPC का जो कार्यकाल है, जो टेन्योर है, वो दिसंबर 2016 में ख़त्म हो गई और SGPC के इलेक्शन ड्यू हैं। केंद्र सरकार को अपील करता है कि जो गुरुद्वारा इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट केंद्र सरकार ने करनी है वो जल्द से जल्द की जाए। ये तो 8 साल करा दिया इन्होंने, इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे? दे डोंट हैव एन इलेक्शन। एक मिनट बात सुनो, मेरी बात समझो, डज इट कनेक्ट टू दिस? मैं कह रहा हूं जो 84 के जिम्मेवार हैं उनको सजा मिलनी चाहिए इसमें, और उसी के लिए फुलका साहब को सम्मानित कर रहे थे। अब क्या हो गया? अब क्यों गिरगिट की तरह बदल गए? कांग्रेस पार्टी ने अपना पपेट LOP रखने के चक्कर च, मैच फिक्सिंग के चक्कर च, कॉन्स्टिट्यूशन तो उत्ते हो गया सारी कार्रवाई। अकाली दल जिहड़ा वा वो अज SGPC दे इलेक्शन फेस नहीं करने दे काबल।